अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर तारीख को इससे कोई अर्ज नहीं कि आप मस्जिद के हुजरे में थे या फिर तवायफ के कोठे पर। जो मज़हब इंसान को मरने से पहले फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, वो मरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। मज़हब के नाम पर हमारे लोग इतनी इबादत नहीं करते जितनी नफ़रत करते हैं। क्या बेशर्मी, बेरहमी और खुदारजी है कि इंसान अपने इर्द गिर्द भूख, गुरबत, असीरों की सस्किया, जलादों की दहाड़ और मजबूरों पर तकलीफ़ों के ताज़ियाने देखे, मगर वो शख्स उनका दिफा करने की बजाय सिर्फ अपनी निजात तलाश करे और हुसूल जन्नत की कोशिश करे। जो दीन ज़िंदगी में काम नहीं आ सकता, वो कब्र में भी काम नहीं आ सकता। बहुत से तरक्की पसंद लोगों का ख्याल है कि साइंस और जदीद टेक्निक से एक आज़ाद और तरक्की याफ्ता कौम वजूद में आ सकती है। एक ईमान और आइडियोलॉजी से खारिज माशरे में साइंस और सनात को दाखिल करना एक मेवादार दरख्त को नामुनासिब मौसम और नामुवाफिक ज़मीन में लगाने के मुतरादिफ़ है। इंसान मासूम है और ज़िंदगी पलीद, और पलीदी के साथ मासूमियत सज़गार नहीं। कुरान जो कौमों को ज़िंदा करने आया था, उसको हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है जब उसकी साख्त पर धब्बा लगता है और वो उसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। एक जाहिल समाज में शऊर रखना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वो अकल जिसका कोई मुखालिफ ना हो, जो अपने मुखालिफ से ना उलझे और जिसका कोई दुश्मन ना हो, नाकारा व फरसूदा है। एक गलत निज़ाम में दुरुस्त हाकिम होना बेमानी सी बात है। खुदा के लिए जीना खुदा के लिए मरने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। जो जितना आगाह है उतना ही ज़िम्मेदार है।